हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और संस्कृत के कुछ अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिले संस्कृत पैडागॉजी के, तो मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया कि 3 बजे तब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं और तब आप पढ़ें, क्योंकि अब टाइम नहीं है, परसों एग्जाम है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं कोशिश करूँगी एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड कराने की, वो भी कम टाइम में। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। सब कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है। जो लोग चैनल से न्यू जुड़े हैं जरूर उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास उनकी मिस हुई है, पर कोई बात नहीं है, अभी हम लोग देखने वाले हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत कर रही हो तो थोड़ा सा आपका सब्सक्रिप्शन आपके लाइक ही है, मोटिवेट करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चन और ऑप्शन सही आंसर्स देखेंगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, ठीक है, आपको कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगंतार प्रायः ज्ञान निर्मातार अपि भवति, भाषा कक्षायाम इदम साधयितुं कम कः समीचीन उपाय। समीचीन मतलब अच्छा, ठीक है, उचित। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, कि क्या बोल रहा है, पहले आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, विभिन्न गतिविधि नाम द्वारा नूतन संदर्भेशु भाषा प्रयोगार्थम अधिकाधिक अवसराणाम प्रदानम। कहने का अर्थ ये हो गया कि विभिन्न गतिविधियों द्वारा नए संदर्भ से भाषा प्रयोग के अर्थ में अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना जो है वो भाषा कक्षा को सफल बनाने का सबसे बेस्ट उपाय, सबसे उचित उपाय होता है, ठीक है। ऐसे अधिगम के लिए, ज्ञान के निर्माण के लिए अब होता है, अरे भाषा कक्षा ये साधने के लिए कौन सा उपाय सबसे अच्छा है। ऐसे नहीं बनता आपको संस्कृत, कोई ट्रांसलेशन नहीं बन रहा है, एक एक वर्ड बन रहा है, ऐसे करके फाइंड आउट करिए, डिकोडिंग करिए। अब परेशान मत होइए कि हमको संस्कृत नहीं बन रही, ट्रांसलेशन नहीं बन रहा, भाई चूज़ कर लिया तो झेलना पड़ेगा, इस तरह से करिए, ठीक है। छात्रा सहजतया लक्ष्य भाषाया भाषणम कर्तुम समर्था भवेयु इत्यर्थम किम महत्वपूर्णम। क्वेश्चन समझिए, छात्र को सहज यानी आसानी से लक्ष्य भाषा मतलब जो टारगेट लैंग्वेज है, जो सीखने की बात हो रही है, का संभाषण, ठीक है, करने हेतु समर्थ होना चाहिए। भवेयु आ गया मतलब चाहिए के अर्थ में हो गया, ठीक है। इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, अब देखिए ऑप्शंस, प्रैक्टिस करा रही हूँ मैं आपकी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 38 के लिए जो होना चाहिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्वत्र लक्ष्य भाषाया संभाषणार्थम अभिप्रेरणा नूतनेषु च संदर्भेषु भाषा प्रयोग अवसराणाम प्रदानम। अर्थात इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सर्वत्र लक्ष्य भाषा का संभाषण करने के लिए अभिप्रेरणा और नए संदर्भ में भाषा के प्रयोग के अवसर प्रदान करना चाहिए, तभी जो है छात्र सहजता से लक्ष्य भाषा सीख पाएंगे, उसमें संभाषण करना सीख पाएंगे। सहज रूपेण भाषा अधिगमन संदर्भे महत्वपूर्णम अस्ति। अब मुझे लगता है ये आप लोग डिकोड कर लेंगे इसका अर्थ आराम से, सहज रूपेण यानी सहज रूप से, भाषा अधिगम संदर्भे यानी कि भाषा अधिगमन के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण होता है, अस्ति मतलब है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हो जाता है वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, कथन शैल्या अपेक्षया अर्थ स्पष्टीकरणम। हिंदी पैडागॉजी में भी सेम क्वेश्चन हमने देखा था कि कथन की अपेक्षा, कथन बोलने की अपेक्षा कथन उसका अर्थ को समझते चलना, ठीक है, अर्थ स्पष्टीकरण ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अर्थ भी समझते चलना होता है। छात्रा श्रुत सामग्रीम अधिकृत्य विशिष्ट टिप्पणीम लेखितुम समर्था भवेयु इत्यर्थम कृत गतिविधि कथ्यते। देख लीजिए क्या बोल रहा है, छात्र श्रुत सामग्री को अधिकृत्य, ठीक है, का विशिष्ट टिप्पणी लेखन, ठीक है, लेखन में समर्थ होना चाहिए, भवेयु बोल रही हूँ, होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। अब आपको अब इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो बता दीजिए, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सूचना स्थानांतरण, कि यह गतिविधि सूचना स्थानांतरण कहा जाता है, यानी कि जो छात्र सुन रहा है, ठीक है, वो उसको ग्रहण करके उसको लिख भी रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, सूचना का स्थानांतरण कहेंगे। सूचना हमें मिली, हमने सुना अपने कानों से, एक कौशल से हमने उसको ग्रहण किया, दूसरे कौशल से हमने उसको अभिव्यक्त किया लिख कर, ये आपका होता है सूचना स्थानांतरण, एक स्थान से सूचना दूसरे स्थान तक पहुंची। मौखिकी प्रश्नोत्तरी कश्य कौशलस्य अभ्यासस्य कृते समीचीना। फिर से वही शॉर्ट मेथड अपनाइए, डिकोड करिए, मौखिक प्रश्नोत्तरी कस्य कौन सा कौशल अभ्यासस्य कृते समीचीना।
कौन से कौशल के लिए मौके की जो है प्रश्नोत्तरी बेस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, भाषणस्य, क्योंकि बोलने वाले जो कौशल होते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। मौखिक प्रश्न ओरल क्वेश्चन इसीलिए तो किया जाता है स्पेशली छोटी क्लासेस में, ताकि बच्चे बोल के आंसर देने में सक्षम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदा छात्रा व्याकरणाध्ययनस्य भाषास्वरूपस्य च मध्ये संबंधं प्रदर्शयन्ति तदा ते किं दर्शयन्ति। देख लीजिए, यदा मतलब जब, कब, ठीक है, जब छात्र व्याकरण अध्ययन के और भाषा स्वरूप के मध्य यानी दोनों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है, तब वे क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्या दर्शा रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ओके आपका होता है वो होता है ऑप्शन नंबर वन, संप्रेषणोद्देश्यम विकास प्रक्रियाम च, यानी कि वे संप्रेषण उद्देश्य एवं विकास प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, व्याकरण को और जो भाषा का रूप है उसके बीच संबंध स्थापित करने में अब वो सक्षम है, और इन दोनों के प्रयोग से ही तो वो संप्रेषण कर सकता है उचित सही तरीके से, है ना। अनेकेभ्य छात्रेभ्य लेखन कार्यम अत्यंतम जटिल कार्यम, अतः अस्मिन् संदर्भे अध्यापकः अध्यापिका भी प्रथम कुत्र अवधानम दातव्यम। अनेक छात्रों के लिए, ठीक है, लेखन कार्य अत्यंत जटिल होता है, बहुत बच्चे होते हैं जिनके लिए लिखना जो है बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, तो इस संदर्भ में अध्यापक को या अध्यापिका को, अब आगे आप देख लीजिए क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट संप्रेषण क्षमता विकास संदर्भ आवश्यक व्याकरण तत्व अभ्यासम प्रति। कहने का अर्थ है कि शिक्षक को ये चाहिए कि वह छात्रों को स्पष्ट संप्रेक्षण क्षमता के विकास के संदर्भ में आवश्यक व्याकरण तत्व का अभ्यास कराए, क्योंकि जब बच्चों की व्याकरण अच्छी हो जाती है, बच्चे बोलने सुनने में मतलब फ्लुएंट हो जाते हैं, तब उनके लिए लिखना कोई बड़ा काम नहीं रह जाता है, क्योंकि उनको हर चीज़ का ज्ञान होता है, और अदरवाइज़ उनको लिखने में हमेशा दिक्कतें आएंगी, उनको उनको श में फ़र्क नहीं आएगा, वो प्र नहीं जानेंगे कि कौन से हमें मात्रा कैसे लगानी करके, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। जो बाकी ऑप्शंस हैं वो रुचि के अनुसार सरल काम दे, तो भी सरल रुचि बढ़ाने के लिए सरल कार्य देना ये सही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें जो पढ़ा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमें पढ़ाना तो उन्हें वही पड़ेगा, है कि नहीं। व्याकरण वो छोटी क्लासेस में हो सकता है, ठीक है, बच्चों को लिखने के लिए, लेकिन वो भी एक स्टैंडर्ड रहता है जो आपके सिलेबस में रहता है, उसके अकॉर्डिंग भी बच्चों को कराया ही जाता है, भले उनको पहले कुछ भी दे दिया जाए, बट वो उनको करना ही पड़ता है लास्ट में आके। व्याकरणात्मक कम अनुदेशनम तथैव स्वाभाविकम मन्यते यदा। व्याकरणात्मक अनुदेशन तभी स्वाभाविक रूप से माना जाता है जब, आगे आपका ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका 44 के लिए होता है ऑप्शन नंबर सी, जब छात्रा स्वमेव लेखन भाषण समये सजगा भूत्वा त्रुटि संशोधनम अपि कुर्वन्ति, यानी कि जब छात्र स्वयं ही लेखन भाषण के समय सजग होकर त्रुटियों का संशोधन भी करते हैं, तब मानते हैं कि व्याकरणात्मक अनुदेशन उचित रूप से चल रहा है, बच्चों को अपनी गलतियों का एहसास होगी, वो त्रुटियों को जो संशोधन भी करते जाते हैं। भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संदर्भ समस्यानाम समाधानम प्राप्तुम अधिगम शैली महत्वपूर्ण, भाषा शिक्षणोपागमार्थम अपि अस्या विशिष्टम स्थानम, एतादृशी एका भाषा शिक्षण अधिगम शैली अस्ति। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाता है आपका ऑप्शन, भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में समस्या के समाधान प्राप्त करने में अधिगम शैली महत्वपूर्ण है, ठीक है, अब आप देखिए कौन सी शैली होगी। तो यहाँ पे जो अधिगम शैली महत्वपूर्ण हो जाती है वो होती है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुद्रणोन्मुखी शैली, ठीक है। तो भाषा शिक्षण में इसका एक विशिष्ट स्थान है, और इस तरह की एक भाषा शिक्षण अधिगम शैली मृदो, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा आपका आना चाहिए था मृदोन्मुखी, ठीक है, ऐसा करके आना चाहिए था,
तो चाहे कहीं ऐसा लिखे मिले चाहे कहीं ऐसा मिले कि सेम चीज़ है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे बिना टाइम वेस्ट किए। वैसे ये जो है पॉइंट शायद ही एग्जाम में पूछे। तथ्यात्मक गद्य पाठस्य काव्यात्मक पाठस्य च मध्य भेद मन्यते, काव्य पाठ मुख्यतः संबंध अस्ति। अगेन ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है तथ्यात्मक गद्य को खुद से रिकॉर्ड करिए पहले, गद्यात्मक सॉरी तथ्यात्मक गद्य पाठ और काव्यात्मक पाठ के बीच अंतर माना जाता है, ये डिफरेंस है। तो काव्य पाठ मुख्यतः किससे संबद्ध है, चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर जो इसका होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कव्य संदेशस्य मूल्यांकन है। क्योंकि जो काव्य पाठ होता है वो अक्सर कवि के संदेश, जो कवि क्या संदेश देना चाह रहा है ओवरऑल, इसके मूल्यांकन से होता है। और हम इसमें काव्य पाठ जो होते हैं उसमें हम भावार्थ संदर्भ ये सारी चीज़ें लिखते हैं, प्रसंग भावार्थ ये सब लिखते हैं। उसमें भी हम मेन कवि का ही उनको इम्पोर्टेंस देते हैं कि कवि ये कहना चाह रहा है, ठीक है, हमें क्या समझ में आया उससे मतलब नहीं होता ज़्यादा। कस्यापि लेखस्य मूल्यांकन संदर्भे लेखस्य कः सः भागः यत्र संपूर्णस्य लेखस्य सारांशः पुनरावृत्तिं विना प्राप्यते, यत्र च संपूर्ण महत्वपूर्णाः सूचनाः अपि दृश्यन्ते। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे 40 का आई थिंक आप लोगों ने डिकोड कर लिया होगा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आंसर बताने के बाद। यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष। कुछ प्रैक्टिस अब करिए ना, आज कोशिश करूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएगा संस्कृत का प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। 40 इंग्लिश पे भी वर्क कर रही हूँ, मे बी आप आपको आज रात तक मिल जाएगा इंग्लिश का वीडियो, ठीक है, बिल्कुल। तो देख लेते हैं 48 का करेक्ट आंसर हो गया आपका सी, इसका मतलब हो गया कि किसी लेख के मूल्यांकन, किसी लेख के मूल्यांकन के संदर्भ में लेख का निष्कर्ष वाला भाग, जो कोई भी लेख देखते अंत में जिसका निष्कर्ष निकलता है वो जो होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ पे संपूर्ण लेख का सारांश और संपूर्ण महत्वपूर्ण सूचना जो है वो प्राप्त हो जाती है। यानी कि लेख को देखे बिना उसका जो पूरा उसका महत्वपूर्ण सूचना जो है वहाँ पे हमें मिल जाती है निष्कर्ष वाले भाग में। यही पूछ रहा था कि कौन से भाग में ऐसा होता है। सो आई जस्ट होप कि आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आएंगे, पसंद आ गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी आज के क्वेश्चंस, देखते हैं, ठीक है।